वीडी शर्मा ने कांग्रेस के संघ की तर्ज पर काम करने को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कार्य पद्धति बनाने में पीढ़ियां लगती है। पहले कांग्रेस संघ को आकर देखे, संघ ने देश के लिए क्या कुर्बान किया है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा के उपचुनाव का दौर चल रहा है। इसी बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा, किसी भी संगठन को पद्धति पर पहुंचने में पीढ़ियां गुजर जाती हैं, कौन किसके आधार पर चलेगा ये कह देना आसान नहीं है। लाखों लोग अपना जीवन लगा देते हैं, संघ की तरफ देख तो ले आकर। संघ ने देश के प्रति सद्भावना, संघर्ष, समर्पण, साहस दिखाया है। संघ से जुड़े लाखों लोगों ने बलिदान दिया है। लाखों लोगों के समर्थन और सहयोग से संगठन खड़ा होता है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी पहले राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ ही गांधी परिवार से चर्चा करें कि वो संघ की तर्ज पर कार्य कर रहे हैं, क्योंकि संघ तो राष्ट्रवादी विचारधारा का है। संघ ने तो राम मंदिर का आंदोलन चलाया। देखिए, कोई भी संगठन पद्धति के आधार पर तब खड़ा होता है, पीढ़ियां निकल जाती है। ये कह देना कि कौन किसके तर्ज पर काम करेगा ये आसान नहीं। लाखों लोग अपना जीवन लगा देते हैं, संघ की तरफ थोड़ा देख तो लें आकर के, तो समझ में आएगी कि संघ ने इस देश के लिए, समाज के लिए कितना बलिदान और कितनी भूमिका और कितना त्याग और समर्पण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस देश के लिए किया है, उसके अपने कार्यकर्ताओं ने किया है। इसलिए ऐसे लाखों लाख कार्यकर्ताओं का श्रम, मेहनत, समर्पण होता है, तब जाकर के संगठन खड़ा होता है। पहले राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, गांधी परिवार को जरा पूछ तो ले वो जो ये काम करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि संघ तो राष्ट्रवादी विचार पर, और संघ ने तो राम मंदिर का आंदोलन चलाया, वो तो राम मंदिर के आंदोलन को जीत रहे हैं, ये तो बेईमानी है सब कहना। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।